पहलवान साक्षी मलिक ने गुरुवार को जैसे ही कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया, मानो कुश्ती की दुनिया में भूचाल आ गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गए और इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अचानक साक्षी मलिक के घर पहुंच जाती है। इस दौरान वहां साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुनिया और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद होते हैं। प्रियंका आते ही सबसे पहले साक्षी मलिक के पास जाती हैं और गले लगाती हैं और फिर वहीं उनके पास सोफे पर बैठ जाती हैं। कुछ देर तक प्रियंका वहीं बैठती है और कुछ कुछ बातें होती है। कुछ देर बाद प्रियंका साक्षी मलिक से मिलने के बाद वापस बाहर निकलती है। इस दौरान मीडिया भी साक्षी मलिक के घर के बाहर प्रियंका के बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है। प्रियंका गांधी जैसे ही बाहर निकलती है तो सभी पत्रकार अपने कुछ सवालों के साथ प्रियंका के पास पहुंच जाते हैं। तमाम सवालों का प्रियंका ने एक वाक्य में जवाब देते हुए कहा कि मैं एक महिला के रूप में यहां आई हूं, क्योंकि इन महिला पहलवानों के साथ जो हुआ है वो काफी गलत है। बता दे, भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव गुरुवार को हुआ और वोटों की गिनती होने के बाद ये साफ हो गया कि बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के रूप में कमान संभालेंगे, जिसके बाद पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने एक साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में साक्षी ने नम आंखों के साथ कुश्ती को अलविदा कह दिया और अपने जूते टेबल पर रखकर रोती हुई वहां से निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।